मोहे हरहु कलेषु विका भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता ने 14 वर्ष में वनवास मिले। हालांकि वनवास सिर्फ भगवान राम रे वास्ते थो, पर लक्ष्मण और सीता माता रो प्रेम राम रे साथे वनवास जाने वास्ते विवश कर्या बाने। भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता वनवास में गया और उन वनवास रे अंतराल रे मायने सीता माता रो हरण कर रावण लंका ले गयो। वाह, देखो आप रहते राम और लक्ष्मण। इस भजन को जरा गौर करके सुनिएगा, आधे एक घंटे का समय आपका लूंगा। इस भजन का उद्देश्य सिर्फ आपको भजन सुनाना ही नहीं, उन पूर्वजों की याद दिलाना है जिन्होंने राम नाम के खातिर सदियों से अपने बलिदान दिए हैं। एक बार इन बच्चों के लिए, राम और लक्ष्मण के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वनवास में सीता माता रो हरण कर रावण लंका ले गयो। भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता री खोज रे वास्ते पूरे भारतवर्ष में घूमया, लेकिन सीता माता रो पतो नहीं लागो तो दक्षिण भारत में जा, सुग्रीव वानर सेना में जा और एक 5 पाना रो बीड़ो बनायो। उन बीड़ा में वचन है कि जो इन बीड़ा ने उठावेला वो 7 समंदर पार सीता माता ने खोजन वास्ते जावेला। कोई बता सके वह बीड़ू कौन उठायो? और सबसे पहला वह बीड़ा ने उठा सीता माता की खोज करने वास्ते खुड़ गया बालाजी महाराज, बड़ी श्री बालाजी महाराज की। और भीड़ मायने एक हाथ खड़ो और हाथ तो बालाजी महाराज के मैं जाऊंगा। भरी सभा फिर वायो पाची पादारो पीड़ो बनायो, भरी सभा फिर वायो, उन पीड़ा ने कोई नहीं झेले जी, उन पीड़ा ने कोई नहीं झेले मारा मारा बालाजी हमारे मन में कोटो
करके रत्नागर को पार करके श्रीलंका रावण की छाती के बाद दमन गया था। जब रावण को पता चला कि जिस समंदर को मैं भी पार नहीं कर सकता बिना ब्रह्मा जी की दिव्य शक्तियों के, और इस छोटे से कपी ने अगर इस इतने 100 योजन समंदर को पार किया है, इसका मतलब बहुत बड़ी शक्ति श्रीलंका में आ रही है। पर फिर भी वो अपनी अहंकार से हटा नहीं। हनुमान जी महाराज सीता माता और पतो लगा पाचा आया और भगवान राम आपरी पूरी वानर सेना सुग्रीव रे साथ तैयार कर अपारे धर्म रो सबसे बड़ू सेतु बना, और उन सेतु समंदर माते राम नाम रा पत्थर तेरा अहंकार छाती रे माते। चारों तरफ जयकारा हुआ, जय श्री राम, जय हनुमान, जय लक्ष्मण। बात रावण तक पहुंची कि राम भगवान विष्णु अवतार है, बड़ो शक्तिशाली है, जा रहा रत्ना कर रहे माथे राम नाम रा पत्थर तिर गया। रावण ने देखा कि बात बड़ी विपदा में आ पहुंची है, अगर अपनी सेना को संभाला नहीं तो युद्ध को हारना पड़ेगा। अपनी सेना ने बुलाई और कहो कि पत्थर को मारे नाम रा बिखरे। समंदर के पास अपनी सेना को लेकर रावण पहुंच गया और एक पत्थर उठाया और पत्थर के ऊपर राम रावण लिखा और उस पत्थर को कुछ बोलकर समंदर के अंदर फेंक दिया, और वो पत्थर भी तैरने लग गया। रावण के जयकारे हुए, सेना वापिस जाकर महल में जाकर पहुंची। रावण अपने कक्ष में गया, मंडोदरी ने पूछा, पतिदेव ये सारी सेना आपकी शक्तियों से अनजान होगी, ये सारी प्रजा आपकी आपके कर्मों से अनजान हो गई, पर मेरे से आपका कोई कर्म नहीं छुपा, मैं आपकी पत्नी हूं, आप सच सच बताओ आपने वो पत्थर तिराया कैसे, देखना राम नाम की शक्ति कितनी है। रावण ने कहा मैंने वो पत्थर उठाया और उस पर रावण लिखा और कहा कि पत्थर तुझे श्री राम की सौगंध है, अगर इस रत्नागर सागर में डूब गया तो। बड़े बड़े योद्धा रावण ने अपनी युद्ध भूमि में भेजे और वापिस आकर उन्होंने कुछ तो आए नहीं, और जो जो आए उन्होंने कहा कि राम से युद्ध जीतना संभव है, पूरी लंका का सर्वनाश हो रहा है। मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ ने बाण सु भगवान लक्ष्मण से शक्ति लग गई और एक बार फिर बालाजी से काम पड़ गए। वेद जी ने कहो और वेद जी कहो कि सात समंदर पार द्रोणागिरी की पहाड़ी और माथे संजीव की बूटी है, पर वह संजीव की बूटी लेने वास्ते गया बालाजी महाराज। गए बालाजी राम सचिव अब तक जो नहीं Hey, no, please.
हनुमान जी महाराज ध्रुवनागिरी पहाड़ी और मैंने गया कटे संजीव बुनी बूटी मिली नहीं। और भगवान वेद जी महाराज रो करो हो कि सूर्य उदय से पहले बार संजीव बुनी बूटी पिलानी है। अटे धीरे धीरे सूर्य रो प्रकाश धरती माथे पड़न लागो और अटे बालाजी चिंता रे मायने कि मैं भगवान राम रे चरणों में सौगंध खा आयो हूँ कि आप रो एक आंसू धरा पर पड़ने से पहले ही वा संजीवनी बूटी तो बड़ी दूर की बात पूरे द्रोणागिरी पर्वत ने आपने चरणों रे मायने ला धर दूला। बीत गई सब रेंज घड़ी और हो रही है बाकी, देख देख के राह तिहारी बैरन अखियां थाकी, कहीं उन्हें ना हो जाए भार तुझे श्री राम बुलाते हैं। राम नाम रे सुमरण कियो और बल और बुद्धि रो प्रयोग करे पूर्व पर्वत ने आपकी गुजारे माथे धर रवाना हुआ। चारों तरफ बालाजी महाराज और भगवान राम रा जयघोष हुआ। लक्ष्मण भगवान ने संजीवनी बूटी पिला और जीवित किया। देखिए छोटे रूप में पूरी रामायण सुनाने की कोशिश करूंगा। जय हो। अब जाग उठे बलवान तुझे शक्ति विजय कर भगवान राम विजय कर धर्म विजय कर धर्म ध्वजा फहरा। और सुग्रीव जी साथे वास पूरी सेना रवानी हुई। जा अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में हजारों वर्षों तक भगवान राम रो राम राज्य चलो। लेकिन आज से कुछ सदियों पूर्व एड़ा लुटेरा अपनी धरती माथे आया जो भगवान राम रो पवित्र धाम सुवा मंदिर ने हटा और एक मस्जिद निर्माण करवा दियो गयो। उस मस्जिद को वहां से हटाने में और वहां पर वापस मंदिर निर्माण कराने में न जाने सदियों से हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया, हमारी माताएं बहनों ने कितना तकलीफ झेली, हमारे पूर्वजों ने साधु संतों ने कितने शीश कटाए, तब जाकर एक बार फिर से हमें एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जैसी इस पावन नगरी पर एक बार फिर से पवित्र राम मंदिर देखने का सौभाग्य मिल रहा है। कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है? कुछ लोग अभी भी हाथ नीचे खड़े करके बैठे हैं, उनको बताना चाहूंगा उस समय मुगलों का काल था और धर्म का नाम लेने पर राम का नाम लेने
करने पर लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे, उस समय भी हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म को नहीं छोड़ा। उस समय रे मायने भी हमारा अपना पूर्वज अपारे धर्म ने नहीं छोड़ो, अपारा साधु संत अपारे धर्म ने नहीं छोड़ो। एक तरफ खून की नदियां बह रही है और दूसरी अपन को क्या लगता है कि सत्संग अपन लोगों ने शुरू कही है? अपन को क्या लगता है ये भजन अपन लोगों ने गाने शुरू किए? गई है। ये मुगलों के काल में भी जहाँ एक तरफ खून की नदियां बह रही है, दूसरी तरफ माता बहनों को सरेआम चौराहे पर लटकाया जा रहा है और बीच में बैठकर भी साधु संतों ने हमारे पूर्वजों ने धर्म को झुकने नहीं दिया, धर्म ध्वजा को कभी पड़ने नहीं दिया और हमेशा भजन करते हैं। भाई हाथ जो आप करते हैं अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने कहा मैं रामायण सुना रहा हूं आपको, सबूत बताता हूं उन लोगों को। जम्बो द्वीपे भरत खंडे, जम्बो द्वीपे भरत खंडे, आरावरते भारत वर्षे कनकनी है विख्यात अयोध्या। परिवार द्वारा इतनी सुंदर तरीके से सजाई गई है, जीवित हाथ सासा ले पा रहे।